आदाब नाजरीन, प्राइम टाइम के आज के इस शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुश्ताक करालियारी। अंदाज़े बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे मंशियात की। मंशियात के सबब हज़ारों कश्मीरी घर और ख़ानदान बर्बाद हो गए हैं। नौजवान नशा आवर अद्वियात, शराब और दीगर चीज़ों को खरीदने के लिए अपने घरों से कीमती सामान कोड़ों के दाम बेच के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से हिचकिचाते नहीं। जिनको घरों में बेचने के लिए कुछ मिलता नहीं, वो दूसरों के घरों से कीमती सामान चुरा के नशा आवर चीज़ें खरीद रहे हैं। कश्मीर में नशा आवर चीज़ों की खरीद व फरोख्त आज की तारीख में अपने अरूज पे हैं। यानी कश्मीर अल्लाह न करे अब उड़ता पंजाब बनने जा रहा है। इस कारोबार से वाबस्ता इंसानियत के कातिलों ने नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करके अपने लिए दौलत के अंबार, जमा और महलात तामीर किए हैं। बल्कि आज जो भी ज़्यादा पैसा कम वक्त में कमाना चाहता है, वो इस इंसानियत सोज धंधे में शामिल हो जाता है। कश्मीर में नशावर अद्वियात और दीगर नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नौजवान बहुत सारी वजूहात से कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी घरेलू परेशानियों के सबब कुछ लड़कों और लड़कियों से इश्क आशिक के सिलसिले में, और इन आशिकों और माशुकों के लिए शायरों ने बहुत सारी गज़लें, गीत और अशार भी बयान किए हैं। चंद एक आपकी नज़र। मैं तलखे हयात से घबरा के पी गया, गम की सियारात से घबरा के पी गया। इतनी दकीक शय कोई कैसे समझ सके, यजदां के वाकयात घबरा के पी गया। छलके हुए थे जाम, परेशान थी जुल्फ यार, कुछ ऐसे हादिसात से घबरा के पी गया। कुछ शौके के तौर पर और कुछ माहिरिन के मुताबिक बैज़ नौजवान कश्मीर में चल रही शोरिश यानी मसले कश्मीर के सबब नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अरबों की दौलत को उड़ा के जम्मू कश्मीर के नौजवान मंशियात की लत में मुब्तला होके एक कौमी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन ये शराब और दीगर नशा आवर अद्वियात कहाँ से और कैसे कश्मीर में सप्लाई की जा रही हैं, ये कश्मीर की आवाम जानने से कासिर नज़र आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में 1500% मरीजों ने सरकारी अस्पतालों में जाकर इन नशों से छुटकारे के लिए दाखिला लिया। एक सर्वे में कहा गया है कि हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने श्रीनगर और अनंतनाग में एक पायलट सर्वे ये जानने के लिए की कि यहाँ मंशियात का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है। सर्वे के नतीजे बहुत ही हैरान परेशान कुन थे। सर्वे के इंचार्ज डॉक्टर यासिर ने बताया कि लत में पड़े 300 अफराद पर तहकीक की गई और पता चला कि ज़िला अनंतनाग और ज़िला श्रीनगर में हेरोइन और अफीम की दीगर नशावर अद्वियात आसानी से मयसर हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इन शहरों में 2% आबादी मंशियात में मुलविस है। रोज़ाना 3.5 करोड़ रुपये सिर्फ अनंतनाग और श्रीनगर में ही मंशियात की खरीद पर खर्च किए जाते हैं। बदकिस्मती से मंशियात जो आपने कहा कि मंशियात की जो लत है लोग इनमें पर्टिकुलरली यूथ में बढ़ रही है, और जो हम हॉस्पिटल में अगर हम स्नैरियो देखें हॉस्पिटल के हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स देखें हम जो फ्लो है पेशेंट्स का वो बढ़ रहा है दिन भर, और उसमें पर्टिकुलरली यही एज ग्रुप है 15-35 एज ग्रुप में यूथ का, और ये ऐसा एज ग्रुप है कि ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बिल्कुल ये फिर प्रोडक्टिव नहीं रहते, और इसका बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके बगैर मंशियात ऐसी चीज़ है, ऐसी इलनेस है, ये इलनेस है एक्चुअली, ठीक है। शुरू तो चलो गलती से हो जाती है, लेकिन फिर ये तकलीफ बन जाती है। तो इसको एक मेडिकली हम एक इलनेस की तरह देखते हैं जिसका इलाज जरूर है, लेकिन इलनेस के साथ साथ इसके कुछ फॉलोआउट्स हैं, मतलब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑन सोसाइटी पे ऐसा है कि जहाँ देखा गया जहाँ पे ऐसे मंशियात की प्रॉब्लम बढ़ेगी वहाँ पे क्राइम्स बढ़ते हैं, वहाँ चोरियाँ बढ़ती हैं, वहाँ मर्डर केसेस बढ़ जाते हैं, तो ये और सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और उसके बगैर फैमिली डिसऑल्व हो जाता है, फैमिलीज पे असर पड़ता है, फैमिलीज डिसरप्टेड हो जाती हैं, और उसके बगैर
एक हेल्थ बर्डन भी है कि इसमें मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इनको, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे ये HIV, HCV, हेपेटाइटिस सी या ओवरडोज डेथ्स हो जाते हैं, यंग डेथ्स जो हम देख रहे हैं आजकल हो रहे हैं मंशियात की वजह से, ओवरडोज की वजह से। इसके बगैर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे लोगों में, वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, एजिटेटेड होते हैं, इरिटेबल होते हैं, फिर उसकी वजह से ये बहुत लाइक फैमिली में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ हैं कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स जो इस मंशियात की वजह से एक सोसाइटी पे या एक फैमिली पे या एक इंडिविजुअल पे फेस करनी पड़ती है। अभी हम इतनी जल्दी हम कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि गर्ल्स भी ले रही हैं या ज़्यादा ले रही हैं। हाँ, केसेस आ रहे हैं, पेशेंट केसेस आ रहे हैं कुछ जो हम नहीं देखते थे पहले कि फीमेल केसेस आ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे आ रहे हैं। इनफैक्ट हम अभी सर्वे कर रहे हैं, उसका जब एक हम डेटा कंपाइल करेंगे उसमें भी हमने देखा है कि उतनी ज़्यादा फीमेल्स हैं लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितना हम बड़ा चढ़ा के सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ ये है कि फीमेल्स आ रही, लेकिन उनमें फीमेल्स में हमने देखा वही फीमेल्स हैं जिनमें कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं अंडरलाइन, कोई पर्सनैलिटी इश्यूज हैं या ट्रॉमा का असर है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है, चाइल्डहुड जिनको हम कहते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो बचपन में रहे हों, लाइक कोई फिजिकल ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या सेक्सुअल ट्रॉमा का असर रहा हो, उसकी वजह से फिर वो मंशियात में चले जाते हैं, एस्केप रूट ले हैं उसका। तो ऐसी फीमेल्स हमने देखी, लेकिन ये नहीं हम जनरलाइज नहीं कर पाए, करना नहीं चाहिए हमें। हाँ केसेस हैं, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली मेल्स में, यूथ में और जो पर्टिकुलरली जो मैंने कहा एडोलसेंट एज ग्रुप है, स्टूडेंट्स में वो हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड वो केसेस बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंटशिप में जो स्टूडेंट्स एडोलसेंट, और वो भी बदकिस्मती से हार्डकोर जो एडिक्शन है, हार्डकोर मंशियात का इस्तेमाल करना जैसे हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और वो इसमें भी हमने देखा एक डेंजरस ट्रेंड है कि इंजेक्शन के ज़रिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो बहुत खतरनाक मतलब बहुत ही खतरनाक तरीका है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी वजह से डेथ्स हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड डेथ्स। ये सिर्फ हम इस पर नहीं रख सकते कि गवर्नमेंट का रोल है या डिफरेंट बेशक डिपार्टमेंट्स का हर कोई स्टेक होल्डर है इसमें, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, हमने सही कहा हेल्थ डिपार्टमेंट, वो उनको चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट में हमें फैसिलिटी, ट्रीटमेंट फैसिलिटी इनको देनी है ऐसे पेशेंट्स को, या जो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को अवेयरनेस करवानी है स्कूल्स में, टीचर्स में, पर्टिकुलरली टीचर्स में, और पर्टिकुलरली प्राइमोडियल प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा स्कूल्स में, कि बच्चों की जहनी सेहत पे ज़्यादा फोकस करें ताकि कल को वो इस चीज़ में ना जाएं। ठीक है, प्रिवेंटिव मॉडल, प्राइमोडियल मॉडल्स पे फोकस करें। और उसके बगैर जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको चाहिए कि उनका भी रोल बनता है कि वो इस मंशियात की जो खरीद फरोख्त होती है, ट्रैफिकिंग होती है, उस पर रोक करें। ठीक है, ये तो हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, लेकिन हर किसी इंडिविजुअल का, आपका रोल एज मीडिया पर्सन, आपका रोल है कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, इसके बारे में बात करें, जितनी हम बात करेंगे इसके बारे में उतनी अवेयरनेस हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डिनाइल मोड में, नहीं जी हमारे बच्चे नहीं इसमें। अब पेरेंट्स को, हमें पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स को ख्याल रखना है कि ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा नहीं जा सकता, तो ये ऐसी तकलीफ है, ये ऐसी प्रॉब्लम, ये बड़ा इन्फेक्शस है, इन्फेक्शस हो गया कि अगर कोई बच्चा कर रहा है किसी स्कूल में तो उसमें चांसेस है कि बहुत सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं कल को, अगर किसी मोहल्ले में कोई कर रहा है तो दूसरे को, तो हमें चाहिए कि इस चीज़ पे हम प्रिवेंटिव मतलब अवेयरनेस करें, ऐसी चीज़ की खरीद फरोख्त पे हम रोक लगें, ऐसे इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल पर्सन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पे बात करें, जितना हो सके अवेयरनेस करें। तो नाज़रीन ये थे डॉक्टर यासिर। पुलिस के मुताबिक 1 ग्राम हेरोइन की कीमत 3 से 4 हज़ार तक की है। इस तरह से ये वाजिया हो गया है कि वादी के महज 2 अजला में इन नशावर चीज़ों पर कितना सरमाया सरफ किया जा रहा है, बल्कि इसके सबब यहाँ नौजवानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी फैलने का ख़तरा लाहक है, बल्कि समाजी सतह पर भी इसके बहुत से नुकसान हैं। समाज में लड़ाई, झगड़े,
आम होना, फितने और फसादात एक ट्रेंड और गली कोचों में नौजवानों के दरमियान लड़ाई और झगड़े एक फैशन बन गया है। इससे भी नौजवान को नशा और दवाई न मिलने की सूरत में वो अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर देता है। सेहत तो हर सूरत में बर्बाद तो होती ही है, मसलन कश्मीर में नशा में मुब्तला 50% अफराद अपनी रगों में हीरोइन इंजेक्शन के ज़रिए पहुंचाते हैं और कई लोग एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इन्हें हेपेटाइटिस सी और कई दीगर ख़तरनाक बीमारियाँ लग जाती हैं। इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक रातर का क्या कहना है, आइए देखिए। किसी भी घर में मेरी लोगों से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है, टीचर्स से गुजारिश है, क्योंकि हर एक फर्द जो हमारे समाज में है उसका एक कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग डी एडिक्शन में, और उनसे यही गुजारिश रहेगी, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने की ज़रूरत है। जब ही लोग आगे आएंगे तभी इसका ट्रीटमेंट होगा, तभी इसका इलाज होगा। तो ये जो चीज़ है हर एक की, पेरेंट्स से लेके मोहल्ला कमेटी, हमने एक ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी बनाई थी 2019 में, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डल्लू साहब ने इनॉग्रेट किया जीएमसी में। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि किसका क्या क्या रोल है। जो पहला स्टेप है, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपनी गाड़ियाँ, अपने बंगले अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और बच्चा जा रहा है ड्रग की तरफ। तो वालदेन का पहला फ़र्ज़ यही है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनको टाइम दे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। जो ही किसी घर में माँ बाप को, भाई बहन को, स्कूल टीचर को, हमसाया को, पड़ोसी को इस बच्चे में कोई चेंज नज़र आए, ये कल तक खाता पीता ठीक है आज खाता नहीं है, कल तक ये सोता ठीक है आज सोता नहीं है, अकेला कहीं जाके आपस में ही कुछ करता रहता है, कोई भी बिहेवियरल चेंज लगे उनके दिमाग में ये आना चाहिए शायद इस लत में ये मुलव्वस तो नहीं है, तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल पर हर एक जगह डॉक्टर्स हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। कोविड के होने के बावजूद भी और बाकी जो दूसरे लोग हैं, जैसे आप साहिबान हैं, मीडिया के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो भी है, हर एक का अपना अपना रोल है इसमें। और चेन, जो चेन होती है कि इसको ख़त्म करें, जैसे उसमें हमारी पुलिस रोल करता है, क्राइम रोल करता है, और हमारे एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट है वो रोल करता है, ताकि जो ये क्रॉप है उसको ख़त्म करे, चेन को ख़त्म करे। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन करता है, और ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन जो अदर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस करती है, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इवन वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें ये भी देखा गया है कि आजकल हमारे बच्चे ही नहीं, कुछ बच्चियाँ भी ये ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं। इन नशों में कश्मीर में बच्चों के साथ साथ नौजवान लड़के और लड़कियां भी मुलविस हैं, बल्कि अच्छे घरों और आसुदा हाल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इन मनशियात की लत का शिकार हो चुके हैं। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ज़्यादातर नौजवान जो इस नशे में मुब्तला होते हैं उनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होती है। मज़ीद उनका कहना था कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स पर नौजवानों की खासी तादाद रही है जो कि तश्वीशनाक है। 2019 में 633 अफराद ने अपने नाम पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में दर्ज करवाए थे, जिनकी तादाद आज बढ़ के 2000 से भी तजावुज कर गई है, जिनमें 81% मर्द और 19% ख्वातीन हैं। अभी तक पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में 10,000 अफराद का इलाज किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर में नौजवानों को इस वबा से पाक रखने के लिए सरकारी तंजीमें, पुलिस और उल्मा अपनी कोशिशों के बावजूद भी मनशियात को कश्मीर में ख़त्म करना तो दूर की बात, कम करने में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आए रोज़ के एदादुशुमार के मुताबिक इसमें इजाफा दर इजाफा देखने को मिल रहा है। आवाम इंतजामिया से ये सवाल करती है कि ये अफीम और हीरोइन और दीगर नशीली इंजेक्शन और टैबलेट्स कहाँ और कैसे कश्मीर में पहुँच रहे हैं। ये बात वाजिह है कि यह सारा कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से भी अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से जो उलमाई किराम है उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। बाहुर पर सदा हुई
कशीर हिंद कोड़ कशीर हिंद नौजवान शराब चवन इंजेक्शन करन ड्रग एडिक्ट बाहुर पर सदा हुए यमे नॉट इन हंड्रेड्स नॉट इन थाउजेंड्स बट इन लैक्स बाहुर पर सदा वर्ष सै नौजवान बच्चे तो बची यम शराब चवन यम इंजेक्शन करन यम टेबलेट खावन यम बोतल चवन अगर ना बोतल मेले अगर ना इंजेक्शन मेले अगर ना टेबलेट मेले तेल यम बूट पालिश खावन क्या खावन ये माशर अंदर यह हालत है सो माशर गंगित रोज शंगित गोज वन कह जरूरत इस्लामिक स्टडी सेंटर जरूरत इन दरसगान जरूरत जवाब दी जरूरत बेदार ग कश्मीर पुलिस के मुताबिक कश्मीर में लगभग 1600 से लेकर 1700 तक अफराद इस कारोबार के साथ वाबस्ता है, जिनमें से 35 अफराद को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या महज 35 लोग ही इनमें गुनाहगार हैं? क्या इंतजामिया बस ये कह के अपने आप को बड़ी समझती है कि सरहद पार से ये सारी मंशियात आ रही हैं, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते? तजिया निगारों का कहना है कि जब तक न इस धंधे से वाबस्ता बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक इस वबा पे काबू पाना नामुमकिन है। यहाँ ये सवाल भी उभरता है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग पॉलिसी के इतलाक और एंट्री नार्कोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयों के बावजूद ड्रग स्मगलरों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? कई लोगों का कहना है कि ये धंधा एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम और सियासी लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है, आम लोगों के लिए ये कारोबार चलाना बस की बात नहीं है। जाहिर है कि अगर सरहदों पर इतनी फौज तैनात हैं और बड़े पैमाने पर तारबंदी भी की गई है, तो फिर वहां से इतनी बड़ी मकदार में ड्रग्स कैसे कश्मीर पहुंचाए जा रहे हैं? इसी तरह से वादी में अगर फोर्सेस की नज़र हर एक शख्स पे है, तो हज़ारों में मौजूद ड्रग्स पहुँचाने वाले दरिंदे कश्मीर के नौजवानों की जिंदगियाँ उजाड़ने में किस तरह मसरूफ अमल है? आखिर ये लोग सिक्योरिटी एजेंसियों को क्यों दिखा नहीं देते हैं? ये भी एक चुपता हुआ सवाल है। इस सारी मायूसकुन सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम इज्तमाही तौर समाजी सतह पर इस नासूर को कश्मीर से उखाड़ फेंकने के लिए कमर बस्ता हो जाए। हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को पहले से ही अच्छे और बुरे की तमीज़ करवाना सिखाएं, उनकी हर हरकत पर नज़र रखें, उनकी चाल डाल को परखें और उन्हें दीनी तालीम से भी आरास्ता करवाएँ। हुई है उसके हिसाब से जो बोला जाता है कि 9 लाख रुपयों का हीरोइन कंजप्शन होता है एवरी मंथ इन कश्मीर, लेकिन मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन होता है हीरोइन का। और जैसा कि आपने बात की कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की, बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम को कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इतने FIRs लगाए हैं वहाँ पे। ड्रग्स की बात की, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से हम आए रोज लोगों को भी हिदायत देते हैं कि ड्रग्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आबादी कश्मीर की बात करेंगे, खासतौर पर अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे, अब साउथ कश्मीर के बाद मुझे लगता है कि बांडीपोरा के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर में, अब सेंट्रल कश्मीर में भी ड्रग्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट की बात करेंगे, पुलिस जरा की बात करेंगे, आए रोज हम देखते हैं न्यूज़ पेपर पर, सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि आज फलानी जगह पर ड्रग पैडलर को पकड़ा गया, लेकिन हमें देखने की ड्रग्स लोग जो है क्यों करते हैं और ड्रग्स में लोग जो है वो इन्वॉल्व क्यों होते जा रहे हैं। इसके पीछे खाली पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये सोशल एक्टिविस्ट का सिर्फ काम नहीं है, ये काम जो है पेरेंट्स का भी है। काम में बहुत सारा ड्रग्स आप देख सकते हैं कि आपने सुना होगा, आप देखते भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने खोला है ड्रग एडिक्शन सेंटर। आप यहाँ पे अपने बच्चों को ला सकते हो, यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे ठीक हो सकते हैं बच्चे। ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को खास ख्याल रखें, उनको बताएं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिन को क्या कर रहे हैं, उनके रूम्स में जाके बोल देखें कि वो उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कब शरारत करते हैं, कब लड़ाई करते हैं, किस चीज़ पे वो ज़्यादा ये करते हैं, और कितनी बार वो सोते हैं, कितने टाइम तक सोते हैं, वो भी मेन चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को देखना चाहिए था। डॉक्टर आफाक हैदर, मेडिकल ऑफिसर ATF GMC अनंतनाग से बात करता हूँ। जिस हिसाब से हमने दो तीन महीने से स्टार्ट किया, तो पहले कम पेशेंट्स आते थे, जैसे अराउंड 10 पेशेंट्स पर डे आते हैं, तो अराउंड आज अराउंड 30-40 पेशेंट्स हम
पर डे पेशेंट्स देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ग्राफ इंक्रीज ही हो रहा है। जो सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट है जिसको लगेगा कि ट्रीटमेंट कर सकता है तो वो यहाँ आ सकता है विदाउट, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल रहता है, कोई इसमें स्टिग्मा नहीं रहता है, जो ट्रीटमेंट आता है वो हम फ्रीली अवेलेबल मेडिसिन यहाँ से देते हैं। बहुत ड्रग्स का फैलाव हुआ है, हम पेरेंट्स को टीचर्स को ये अपील करते हैं कि वो बच्चों को खासकर यूथ को ज़्यादा वो इसके लिए तैयार करें कि इस वबाई जो ये बीमारी की तरह है, एक बार इसमें इंसान घुस जाता है तो फिर वापस आना मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स से यही अपील और टीचर्स से यही कि वो अपने स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स अपने बच्चों को इससे दूर रहने की अपील करें। नशे तबाह करता है, लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि ड्रग से दूर रहें, ड्रग से दूर रहें और समाज में देखें दाएं बाएं अगर किसी को ड्रग्स का कोई कारोबार करता है या कोई ड्रग्स यूज़ करता है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इतला करें और समझाएं लोगों को कि ड्रग्स ना करें। माशाल्लाह हमारी पुलिस जो है इसके हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है और जो है लम्हा फिक्रिया यह है कि रोज़ हमारे जो है नज़दीकी थानों में जाए पुलिस हो या संभल हो कोई ना कोई केस जो है दर्ज हो जाता है, लिहाजा वालदीन को चाहिए कि वो दाएँ बाएँ देखें और सरकारों को चाहिए कि रोज़गार के वसाइल बढ़ाएँ और सपोर्ट्स में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बढ़ावा दें। हमारे उलमा का यहाँ एक ख़ास रोल बनता है कि वो अपनी अपनी मसाजिद और दरसगाहों में बच्चों और इस नासूर के मुज़िर असरात के आशना कर देना और इन्हें तलकीन करें कि इस नासूर से दूर रहें। सरकारी इंतजामिया को भी चाहिए कि इस मुनज़म धंधे में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ ऐसी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए कि दीगर लोगों के लिए ये जहरनाक धंधा करने के लिए निशान इबरत बन जाए ताकि हमारी कश्मीर के नौजवान नस्ल इस बर्बादी से बच जाए। आखिर पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा इन इशारों के ज़रिए, गम दुनिया में अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठा, नशे की लत में खुद को फना कर बैठा, गुलाब से बचपन को खिजा कर बैठा, अपनी नहीं तो माँ बाप की इज्जत की सोचता, जो तेरी जवान पर अपनी ज़िंदगी फना कर बैठा। तो नाज़रीन हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के हवाले से हमने जो आप तक ये जानकारी पहुँचाई, हमारा मकसद यही है, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हमारी नई पौध है, जो हमारे नौजवान नस्ल है, वो इस लत से दूर रहे और हमें इसके लिए ख़ुद इकदाम उठाने होंगे। अगर हम इंतज़ामिया के इंतज़ार में रहेंगे, अगर हम पुलिस के इंतज़ार में रहेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, शब खैर, खुदा।